ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। आप अपने भाग्य को बदलने के लिए कई बार मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे भाग्य में कुछ भी चीज़ें बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, कैसे हम हमारे भाग्य को बदले। भाग्य अभी तक कुछ भी चीज़ें जीवन में हमारे अच्छी नहीं हुई हैं, जितनी सारी चीज़ें घट रही है, बस चल रही है, वर्तमान जी रहे हैं, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, जीवन की हर एक तकलीफ और परेशानियाँ बस बड़ी होती जा रही है। एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी परेशानी बढ़ जाती है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारे भाग्य में एक परिवर्तन आए, जिससे हमारा भाग्य बदले। और कई सारे जातक तो ये भी प्रश्न करते हैं, क्या किस्मत होती भी है? ये सब झूठी बात होती है। तो क्या है भाग्य, क्या है किस्मत, कैसे बदले, क्या तरीका है, एक्चुअल सच, कड़वा सच क्या है, वो आप आज रहस्य जानने वाले हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत नई जानकारी सीखने को मिलेगी और विस्तार पूर्वक चीजें बहुत बारीकी से सीखने को मिलेगी। और किस्मत से जुड़ी हुई जितनी सारी आपके प्रश्न हैं, खुद को लेकर, दूसरों को लेकर, वो सभी चीजें आप बहुत बारीकी से समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि आप वीडियो को यहाँ से हम थोड़ा आगे ले जाएं, उससे पहले कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें, कोई एक नाम लिखें, इस बहाने हम सभी मिलकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जो आपका मन हो, जो भी भगवान भोलेनाथ का नाम आप लिखना चाहें, जो आपको प्रिय नाम हो, वो जरूर लिखें। तो मैं जय जय भोले लिखता हूँ, जय महाकाल लिखता हूँ, हर हर महादेव लिखता हूँ, जो भी आपका मन हो जरूर लिखें। भाग्य और किस्मत और मेहनत, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कहीं भी किसी भी जातक को किस्मत और मेहनत को कम या ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। किस्मत भाग्य बदल सकती है, भाग्य आपकी मेहनत बदल सकता है, और मेहनत आपकी किस्मत बदल सकता है। ये दोनों चीजों एक दूसरे की परिचायक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको टेक्निकली ऐसी लग रही होगी कि जब मेहनत ही करना है तो क्यों भाग्य के भरोसे रहे, और जब भाग्य के ही भरोसे तो क्यों मेहनत करें। दरअसल बात होती है आपके अंतर आत्मा की। जो आपकी सोल होती, जो अंतर आत्मा होती, वही केंद्र आपका होता है कुंडली के अकॉर्डिंग। और वही केंद्र जो है एक व्यक्ति की मेंटल स्टेटस, एक व्यक्ति की आत्म शक्ति को दर्शाता है कि आपके अंदर कितनी आत्मशक्ति है। हर एक व्यक्ति के बीच में समान आत्मशक्तियाँ होती है, लेकिन जीवन में जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी कुंडली पर ग्रहों की दृष्टियाँ होती है, महादशा, अंतरदशा, कुंडली में दोष, ग्रहों का मूवमेंट, उन सभी चीज़ों में वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाता। द पावर ऑफ किस्मत जिसको बोलते हैं, वो है डिसीजन पावर। तो सही समय पर सही डिसीजन लेना, यही ज्योतिष है, और यही चीज़ें आपकी लाइफ को आगे पुश करती है। क्योंकि आप अपनी लाइफ को पीछे जब सोचेंगे कि अगर उस वक्त मैं वो सही डिसीजन ले लेता तो आज और कहीं होता, वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, इसे आप समझेंगे। दूसरी बात शुरू होती है मंत्र जप। मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात कहता हूँ, ये व्यक्तिगत जीवन में भी मैं इसे अपनाता हूँ, ये मेरा खुद का निजी रिसर्च है कि जब में जो शक्ति है वो किसी में भी शक्ति नहीं है। जब एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जब हमारे इर्द गिर्द एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, हमारे मेंटल स्टेटस को, हमारे आत्मबल को, आत्मशक्ति को बहुत हद तक बूस्ट करता है, और वही बूस्ट करने से हमारा सूर्य मजबूत होता है। और जहाँ सूर्य से ही सभी ग्रह ऊर्जा लेते हैं, जहाँ सूर्य मजबूत होगा तो उसकी जो आभा है, उस आभा में अनायास ही हमारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे अनायास हमारे काम बनना शुरू हो जाएंगे, हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें उसका फल मिलेगा। हम कहीं भी, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आलसी हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, हम उसी लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत मेहनती है लेकिन मेहनत का उन्हें फल नहीं मिलता है। जितनी मेहनत की, उस मेहनत के अकॉर्डिंग उनको फल नहीं मिला, उन्हें बहुत मेहनत की। खैर, गीता में ये बहुत स्पष्ट लिखा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन जब हम कर्म करते हैं और जो फल हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता है, तब हमारे मन में कई सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन उससे बड़ा फल उन्हें मिल जाता है, तो मन में एक ग्लानी आती है, क्योंकि हम मानव हैं, मानव का स्वभाव ऐसा ही है। खैर, वो एक अलग सब्जेक्ट है, हम हमारे मूल सब्जेक्ट पे फिर से आते हैं। इसमें मूल बात आपको सूर्य की बताई और मंत्र जप की। तो आपकी किस्मत कैसी भी अभी खराब चल रही हो, चाहे वो आप आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ 10 मिनट रोज मंत्र जप का प्रयोग करना शुरू करें। सिर्फ 10 मिनट नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र जप का प्रयोग करें। यह मंत्र जप का प्रयोग करने से कुछ वक्त में, कुछ महीने में, कुछ 15 दिनों में, 20 दिनों में ये मंत्र जप बढ़ते जाएंगे। आप जहाँ 10 मिनट कर रहे हैं, वहाँ 20 मिनट करेंगे, 30 मिनट करेंगे। जरूरी नहीं कि आप एक जगह बैठ कर करेंगे, आप अपने रास्ते में, सफर पर कर सकते हैं, जाते वक्त कर सकते हैं, कहीं बैठे हैं शांति से फ्री उस समय कर सकते हैं, अपने वर्क को कर रहे हो तो 2 मिनट अगर आपने ब्रेक लिया उस ब्रेक में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको ये करना है, वो कोई बॉन्डिंग नहीं है। यह मंत्र जब अपने मन में होते हैं, याद करना होता है,
कनेक्ट टू पावर, ये आप उस अदृश्य शक्ति से कनेक्ट करने का एक तरीका है। तो वो शक्ति से कनेक्ट करने का जब मंत्र जब आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी कुंडली के जितने सारे ग्रह जो आपको हमेशा नेगेटिव पुश कर रहे हैं, जो हमेशा काम बनने नहीं देते, होते होते रह जाते हैं, बार बार रोड़ा आते रहता है, काम बनते नहीं, हमारे कहने का मतलब कुछ और होता है, कुछ और समझा जाता है, हमारी एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है कि क्या बताऊं मैं, कि हम ऐसे है ही नहीं लेकिन फिर भी वैसी इमेज हमारी हो जाती है। तो जितनी सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी परेशानियां जिनसे हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, मन में एक ऐसा भय डर कि क्या होगा हमारे जीवन में, जितनी सारी मन में भ्रांतियाँ आपकी होती वो सभी से आपको छुटकारा मिलेगा सिर्फ मंत्र जप से। ये बहुत सटीक तरीका है दोस्तों, ये मैं अपने निजी तौर पर मैंने कई सालों से इसका प्रयोग किया, मुझे बहुत फ़ायदा है, मैं बहुत सारे जातकों के साथ भी साझा करता हूँ ये प्रयोग, आप भी करें आपको भी फायदा मिलेगा। तीसरा है वृक्षारोपण। वृक्ष हमें हमेशा सुनते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत से जातकों ने बहुत से प्रयोग करे, लेकिन उन जातकों को ज़्यादा प्रभाव उनकी लाइफ में बृहस्पति से मिला, जैसे जिनकी विवाह नहीं हो रहा या शादी भी हो गई तो फिर बच्चे नहीं हो रहे, या फिर उसके बाद उनको विवाह दाम्पत्य सही से नहीं चल रहा, लड़ाई या तनाव हो रहा है पति पत्नी के बीच, शक का माहौल है, तो इस तरह की जितनी सारी एक नेगेटिविटी दाम्पत्य में क्रिएट हो जाती है महिलाओं के खासकर, तो उन्होंने बहुत से उपाय किए, उन्हें बेशक उनका भी फायदा मिला होगा, लेकिन उन्होंने वृक्षारोपण किया, खासकर पीपल का पौधा, वृक्ष 5 उन्हें रोपित करे, दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे उससे अमूलचूल और बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन हुआ। तो वृक्षारोपण से ग्रहों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्रभाव होता है, तो आप ये जानें कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह नेगेटिव हैं, उनसे जुड़े जो वृक्ष हैं उनका रोपण आप कर सकते हैं। रोपण करने का ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ रोप दिया और उसको भूल गए, लालन पोषण करें, उसे बड़ा करें, इतना बड़ा करें कि उसके बाद वो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से जीवित हमेशा आने वाले 20 25 50 साल जब तक उसकी उम्र है वो जीता रहे। ये प्रयोग अपने आप में बहुत ज़्यादा ज्योतिष में इस पर बहुत से ज्योतिषी नहीं ध्यान इंगित करते क्योंकि बहुत टफ है, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, पर इसका जो रिजल्ट है तुरंत तो मिलेगा लेकिन बहुत लंबे वक्त तक मिलेगा। इस प्रयोग को करने से जो आपकी किस्मत के जितने सारे भी एक पूरा बाउंड जो घूम रहे हैं आप एक राउंड उससे बाहर आप आ जाएंगे। इंद्रजीव प्रयोग है, मैंने भी किया, बहुत से जातकों ने किया, उन्हें फायदा मिला, आपको भी जरूर मिलेगा। अब ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा समझा, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखना। अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं और आप चाहते हैं हमसे जो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अभिमंत्रित रुद्राक्ष जो 11 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित है चाहते हैं तो वो भी हमसे आप मंगवा सकते हैं, थोड़ा महंगा है लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है मंत्र जप से।